नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आपका होस्ट एंड दोस्त फ्रॉम ईकॉम टेक कतरका। और आज का सवाल है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है टिन नंबर और सीएसटी नंबर के लिए। तो टू बिगिन विथ, अगर आप टिन एंड सीएसटी नंबर लेना चाहते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है कि आपकी कंपनी पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप डीड चाहिए होगी। अगर प्रोप्राइटरशिप है तो उसमें कोई वैसा कोई डीड नहीं होता है या कोई नोटरी नहीं होती है। वहाँ पे आपको सिर्फ जो रजिस्ट्रेशन करवाना रहेगा कंपनी का, वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। प्रोफेशनल टैक्स पे करना पड़ता है एक बार, और हर साल रिन्यू करते वक्त भी वो प्रोफेशनल टैक्स करना पड़ता है पे हमको। तो वो प्रोफेशनल टैक्स की रिसिप्ट चाहिए होती है। एड्रेस प्रूफ के सारे डिटेल्स चाहिए होते हैं। आपके पर्सनल आईडी प्रूफ के डिटेल्स चाहिए होते हैं। फ़ोटो आईडी प्रूफ चाहिए होता है। इतनी डिटेल्स आपको इनिशियली चाहिए अगर आप वैट और सीएसटी नंबर अप्लाई करना चाहते हैं। वैट और सीएसटी ज़रूरी नहीं है कि आपको साथ में लेना पड़े। अगर आप वैट नंबर लेके अगर सिर्फ आप अपने स्टेट पे बिजनेस करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपको दोनों लेना है तो दोनों एक साथ अप्लाई कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। लेकिन जब भी आप अप्लाई करेंगे दोनों के लिए तो आपको हर एक वैट के लिए भी डिपॉजिट देना पड़ेगा और सीएसटी के लिए भी आपको डिपॉजिट देना पड़ेगा। हर एक स्टेट का डिपॉजिट अमाउंट अलग होता है। जैसे गुजरात में अगर मैं हूँ तो यहाँ पे वैट का 25,000 रुपये यहाँ पर डिपॉजिट लेते हैं और सीएसटी का 10,000 रुपये। तो सीएसटी का जो है वो कॉमन है अक्रॉस इंडिया। 10,000 रुपये वो सीएसटी के डिपॉजिट रखते हैं। जो वो डिपॉजिट अमाउंट है, वो डिपॉजिट अमाउंट से बाद में आपके जो भी टैक्स के डिफरेंसेस आ रहे हैं वो सारे टैक्स पेबल या फिर लायबल टैक्स जो आपको रहता है सीएसटी का, वो उसमें से डिडक्ट होता रहेगा। जब तक वो बैलेंस ख़त्म नहीं होता है तब तक सेल्स टैक्स वाले आपसे पैसे नहीं मांगेंगे। जैसे ही वहाँ पे वो जो डिपॉजिट जो है आपका वो ख़त्म हो जाता है तब आप लायबल रहेंगे अगला टैक्स भरने के लिए। होप कि दोस्तों आपके ये सवाल का जवाब मैंने दे दिया है। अगर कुछ रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपका इस सवाल का हर एक जवाब देने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे। और अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप छोटी बड़ी हर एक टाइप की ई कॉमर्स के रिलेटेड खबर जो है आपको रेगुलरली मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।